गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है तुम्हारे? कुछ रिवीजन वगैरह किया था इस चैप्टर का जो अपन ने स्टार्ट किया था पिछले क्लास के अंदर? किसी ने कोई भी रिवीजन किया था क्या? हेलो, तो देखना, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज विच आर एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ विच आर एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ सेटिंग अप ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी, ऐसा कुछ पढ़े थे अपन। इंग्लिश में कुछ था ऐसा, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी के टाइम पे जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज से रिलेटेड प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं वो अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था। अपन ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। फिर अपन ने डिस्कस किया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड किए जाएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड किए जाएंगे। वहाँ पे अपन ने देखा था सर, इट विल इंक्लूड पेटेंट, इट विल इंक्लूड कॉपीराइट, इट विल इंक्लूड ट्रेडमार्क, ऐसा कुछ पढ़ा था। देन प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेटेंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था हमारे पिछले क्लास के अंदर। नाउ नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी इस क्लास की शुरुआत अपन करेंगे विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द कॉपीराइट एक्ट, विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द कॉपीराइट एक्ट। ठीक है? हाँ, सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी स्टूडेंट अभी सो के उठा है उसके लिए गुड मॉर्निंग, जो अभी लंच करते हुए ये लेक्चर देख रहा है उसके लिए गुड आफ्टरनून, और जो बच्चा अभी सोने की तैयारी कर रहा है या जो बच्चा बेड में लेट के ये क्लास अटेंड कर रहा है रजाई के अंदर घुस के, वो स्टूडेंट के लिए गुड इवनिंग। क्यों लोकेश? लोकेश उतर जाओ बेटा बेड से। निकल जाओ तुम, मुझे मालूम है बत्सल खाना खा रहा है अभी, मुझे ये भी मालूम है। वत्सल अभी लंच कर रहा है वाइल अटेंडिंग दिस क्लास। देखो चलो, कॉपीराइट एक्ट 1957। अरे एक्सपीरियंस बेटा, एक्सपीरियंस सालों हो गए बच्चे पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है? यस, चलो अभी देखो यहाँ पे कॉपीराइट एक्ट। मुझे बताओ कॉपीराइट किसके ऊपर मिलता था? किसी भी लिटरेरी, आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक वर्क के लिए, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म के लिए, लिरिक्स के लिए, सॉन्ग लिरिक्स के लिए, है ना? ऐसा कुछ पढ़े थे अपन लास्ट क्लासेस में। चलो देखना, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग हैज लेड डाउन द बेंचमार्क फॉर द आइडिया ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन। द राइट ऑफ इंटेलेक्चुअल क्रिएटर्स इज डेल्ट विद इन कॉपीराइट लॉ विथ रिगार्ड टू लिटरेरी, आर्टिस्टिक, म्यूजिक एट्सेट्रा,
एंड दिस लॉ डील्स विद द क्रिएटिविटी कंसर्न, दिस लॉ डील्स विद द क्रिएटिविटी कंसर्न विद द मास कम्युनिकेशन। इन अदर वर्ड्स कॉपीराइट एक्ट प्रोटेक्ट द ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप सच एज एनी लिटरेरी वर्क, म्यूजिक, ड्रामेटिक वर्क, पेंटोमीम्स, कोरियोग्राफिक वर्ड्स, स्कल्पचरल, पिक्टोरियल एंड ग्राफिक वर्क्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स, आर्टिस्टिक वर्क, आर्किटेक्चरल वर्क एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। विद कॉपीराइट प्रोटेक्शन द होल्डर हैज द एक्सक्लूसिव राइट। जिसके नाम पे कॉपीराइट है दैट पर्सन विल बी गेटिंग द एक्सक्लूसिव राइट्स, दैट पर्सन विल बी गेटिंग द एक्सक्लूसिव राइट्स टू मॉडिफाई सच आर्टिस्टिक, लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क, डिस्ट्रीब्यूट देम। मुझे भी नहीं पता लोकेश मेरा, गूगल करो बेटा। परफॉर्म, क्रिएट, डिस्प्ले एंड कॉपी द वर्क। कॉपीराइट ओनर को राइट्स अवेलेबल होता है या एडवांटेज अवेलेबल होता है इन रिस्पेक्ट टू दीज एस्पेक्ट्स, टू मॉडिफाई द वर्क, टू डिस्ट्रीब्यूट देम, टू परफॉर्म देम, टू क्रिएट, टू डिस्प्ले एंड कॉपी, एंड टू कॉपी द वर्क। एक बार चेक करो तो इसका क्या मतलब है पेंटोमीम्स का, भारी वर्ड, बताओ इसका क्या मीनिंग है, गूगल करो तो इसका मीनिंग। अच्छा, ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट, हे भगवान, ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट, ओके। तो ड्रामास वगैरह जब तुम छोटे थे स्कूल में पढ़ा करते थे, कटी पतंगे लूटा करते थे, तब इंग्लिश का एक सब्जेक्ट हुआ करता था और इंग्लिश के सब्जेक्ट में तुम ड्रामास भी पढ़ा करते थे। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। वत्सल वशिष्ठ सर ये पेज नहीं मिल रहा है तो मैं आऊँ तुम्हारे घर पे पेज देने, शुड आई कम टू योर प्लेस? देखो आगे, टू गेट द प्रोटेक्शन अंडर द कॉपीराइट लॉज द वर्क मस्ट बी फिक्स्ड इन अ टचेबल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन सच एज वर्क ऑन अ पीस ऑफ पेपर और म्यूजिक नोट्स रिटन ऑन अ शीट। इसका मतलब है कि कभी भी आइडियाज के ऊपर कॉपीराइट नहीं है। आइडियाज के ऊपर कभी भी कॉपीराइट नहीं मिलता है, ठीक है? कॉपीराइट मिलता है आपको ऑन द मैनर ऑफ प्रेजेंटिंग द आइडियाज, ऑन द मैनर ऑफ प्रेजेंटिंग द आइडियाज, ठीक है? एंड एक और चीज ध्यान रख लेना, कभी भी फैक्ट्स के ऊपर कॉपीराइट नहीं है, कभी भी फैक्ट्स के ऊपर कॉपीराइट नहीं मिलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसा मैं लिखता हूं अपने बुक के अंदर, कॉपीराइट मिलेगा क्या? दूध पीने से शरीर को बहुत शक्ति मिलती है, ऐसा मैंने अपने बुक में लिखा है, कॉपीराइट मिलेगा क्या? कॉपीराइट मिलेगा क्या? आंसर इज नो सर। तो ये ध्यान रख लेना, आइडियाज के ऊपर कॉपीराइट नहीं मिलता, फैक्ट्स के ऊपर कॉपीराइट नहीं मिलता, ठीक है? कॉपीराइट मिल सकता है ऑन द मैनर ऑफ प्रेजेंटिंग एनी आइडिया, ठीक है? देखोगे, अ कॉपीराइट एग्जिस्ट फ्रॉम द मोमेंट द वर्क गेट्स क्रिएटेड, सो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड प्रॉपर प्रोटेक्शन टू वंस वर्क
एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट द चांसेस ऑफ इट्स मिस यूज एंड एनी काइंड ऑफ अनऑथोराइज यूज। बोला जैसे ही तुम्हारा आइडिया एग्जिस्टेंस में आया ऑन अ पीस ऑफ पेपर, तुम्हें उसके लिए कॉपीराइट दिया जा सकता है, तुम्हें उसके लिए कॉपीराइट दिया जा सकता है। तो जैसे ही तुम्हारा वर्क एग्जिस्टेंस में आए, जैसे ही तुम्हारा वर्क एग्जिस्टेंस में आए, आप क्या करो, आप अप्लाई करो किसके लिए, फॉर रजिस्ट्रेशन, अंडर दिस एक्ट, सो कॉल्ड रजिस्ट्रेशन एक्ट, ताकि तुम्हारे आइडिया को कोई और कॉपी ना कर सके, ताकि तुम्हारे आइडियाज को कोई और कॉपी ना कर सके। ठीक है सर, आओ, क्या जरूरत आन पड़ी सर कॉपीराइट प्रोटेक्शन की, इट सेफ गार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ ऑथर ओवर देयर क्रिएशन, इट प्रोटेक्ट्स एंड रिवॉर्ड द क्रिएटिविटी, इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑथर एंड इट रिवॉर्ड्स देयर क्रिएटिविटी। हाउ इट रिवॉर्ड्स देयर क्रिएटिविटी, फॉर एग्जाम्पल तुम समझना, तुम समझना, मैंने मैंने एक बुक लिखी, ठीक है, आई हैव रिटन अ बुक। अब वो बुक लिखने में मुझे 4 साल लग गए, आई हैव टेकन 4 ईयर्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट बुक। ठीक है, मैंने एक बहुत जबरदस्त लव स्टोरी लिखा है, किस किस को अच्छा लगा सुन के, मैंने एक बहुत जबरदस्त लव स्टोरी लिखी है, और ये लव स्टोरी लिखने के लिए मेरे को कितना टाइम लग गया, 4 ईयर्स लग गया। ठीक है, मेरे को 4 ईयर्स लग गया। अब मेरे पड़ोस में रहता है ये लड़का लोकेश, मेरे पड़ोस में रहता है ये लड़का लोकेश। इस लड़के लोकेश ने क्या किया, जब वो बुक का ड्राफ्ट में रेडी कर रहा था ना, जब ये बुक का ड्राफ्ट में रेडी कर रहा था ना, तो ये मेरे घर पे आया और इसने मेरे बुक का कंटेंट कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी कर लिया अपने फोन में ना, सारे पेजेस का इमेजेस क्लिक कर लिया और अपने घर गया, अपने घर गया और पूरी लव स्टोरी पढ़ डाली। और लव स्टोरी पढ़ करके इसको यकीन नहीं हुआ कि इतनी घटिया लव स्टोरी भी कोई लिख सकता है। मजाक कर रहा हूँ, मतलब इट वाज वेरी सेंटिमेंटल लव स्टोरी है ना, तो ये भी देखो, अभी इसने रोना स्टार्ट कर दिया, इसने रोना स्टार्ट कर दिया, चुप ही नहीं हो रहे, सारे घर वाले इसके परेशान हैं, इसके सारे घर वाले परेशान हैं, ये चुप ही नहीं हो रहे। ठीक है, घर वाले ट्राई कर कर के थक गए, लेकिन चुप नहीं हो रहा है, इतना मतलब सेंटिमेंटल लव स्टोरीज ने पढ़ लिया, रिटन बाय, हाँ, द ग्रेट ऑथर अविनाश सर, समझ रहे हो, रिटन बाय अविनाश सर। अभी रो रो के किसका बुरा हाल है, उड़ती उड़ती खबर अविनाश सर को पता चली, उड़ती उड़ती ये खबर अविनाश सर को पता चली। तो अविनाश सर को मुझे बताओ, क्या अविनाश सर को इसके ऊपर गुस्सा आना चाहिए, ये रहे अविनाश सर, क्या अविनाश सर को इसके ऊपर गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये सुनो, अविनाश सर बोलते हैं, यार तुमने तो मेरी पूरी मेहनत ही खराब कर दी, तुमने बिना मेरे परमिशन के ये स्टोरी पढ़ लिया, जो 4 साल की मेरी मेहनत थी उसको तुमने वेस्ट कर दिया। अगर तुम ये लव स्टोरी नहीं पढ़ते तो ये लव स्टोरी की मैं एक बुक पब्लिश करता, तुम वो बुक परचेज करते, और जब तुम वो बुक परचेज करते तो मुझे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिलता, मुझे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिलता। अब चूंकि तुम ये लव स्टोरी वैसे ही पढ़ चुके हो, तो तुम मेरी बुक तो परचेज करोगे नहीं, और जब तुम मेरी बुक परचेज करोगे नहीं तो आई वोंट बी गेटिंग एनी अमाउंट ऑफ बेनिफिट, आई वोंट बी गेटिंग एनी काइंड ऑफ बेनिफिट।
तो यहाँ पे लोकेश मेहरा ने क्या किया मालूम है? लोकेश मेहरा ने किया है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। लोकेश मेहरा ने ऐसे राइट्स एक्सरसाइज किए जो एक्सक्लूसिवली मुझे ही अवेलेबल थी, जो एक्सक्लूसिवली मुझे ही अवेलेबल थी। बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आ रही? तो अगर ऐसा होने लग गया कि सबको अलाउ कर दिया जाए ये लव स्टोरी पढ़ना, तो क्या मुझे कोई बेनिफिट होगा? नो सर। तो क्या मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा इन राइटिंग दी अनदर स्टोरी? नो सर। क्या मुझे कुछ मॉनिटरी बेनिफिट होगा, कुछ रिटर्न मिलेगा? नो सर। तो मैं क्यों लिखूंगा स्टोरी? तुमको याद है थ्री इडियट्स वाला केस? थ्री इडियट जब मूवी बनी थी, डायरेक्टर राजकुमारी हिरानी, राजकुमारी हिरानी, राजकुमार हिरानी, सॉरी, राजकुमार हिरानी हैज बीन सूड बाय मिस्टर चेतन भगत बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन दी स्टोरी रिटन बाय दी चेतन भगत। तो डायरेक्टर को चेतन भगत से परमिशन लेना था, चेतन भगत को कुछ मॉनेटरी बेनिफिट देना था बिफोर कन्वर्टिंग हिज स्टोरी इनटू सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो कॉपीराइट अगर हुआ तो कोई और बंदा या उसकी बंदी, कोई और भैया या उसकी दीदी कॉपीराइटेड मटेरियल को कॉपी नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर ऑफ कॉपीराइट, विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, आओ आगे बढ़ते। इट प्रमोट्स इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इज एनकरेज थ्रू प्रोटेक्शन ऑफ क्रिएटिविटी एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स एन इन्वायरमेंट विच इज कंड्यूसिव, विच इज सपोर्टिव टू द क्रिएटिविटी बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ राइटर्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड मैनी मोर। ठीक है, इसके लिए जरूरी है क्या? क्या कॉपीराइट ओनर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना अंडर एनी स्पेसिफिक एक्ट? और इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कॉपीराइट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया बच्चों। ठीक है, बताओ क्या मेरी बातें आपके दिमाग तक गई? कान तक तो गई होंगी, क्या दिमाग तक गई? कॉपीराइट प्रोटेक्शन इंक्लूड्स नोवेल राइट्स विच इन्वॉल्व द राइट टू क्लेम ऑथरशिप ऑफ अ वर्क एंड द राइट टू अपोज चेंजेस टू इट दैट कुड हार्म द क्रिएटर्स रेपुटेशन। द क्रिएटर और ओनर ऑफ द कॉपीराइट इन अ वर्क कैन एनफोर्स हिज राइट एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड इन द कोर्ट बाय इंस्पेक्शन ऑफ प्रिमाइसेस फॉर एविडेंस ऑफ प्रोडक्शन और पजेसेस ऑफ इलीगली मेड पायरेटेड गुड्स रिलेटेड टू द प्रोटेक्टेड गुड्स। The owner may obtain court order to stop such activities, as well as seek damages for loss of financial rewards and recognition. तो यहाँ पे बोला कि कॉपीराइट ओनर अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है, जो राइट्स उसको दिए गए हैं अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, एंड ही कैन इवन प्रोटेक्ट हिज राइट बाय या ही कैन इवन प्रोटेक्ट हिज राइट थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ एंड ही कैन ऑल्सो क्लेम फॉर द डैमेजेस, ही कैन ऑल्सो क्लेम फॉर दी डैमेजेस और कॉम्पेंसेशन फॉर दी लॉसेज दैट ही हैव इनकर्ड, दैट ही हैज इनकर्ड ड्यू टू दी इन्फ्रिंजमेंट, ड्यू टू दी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज कॉपी राइट, ड्यू टू दी इन्फ्रिंजमेंट, ड्यू टू दी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज कॉपी राइट। ठीक है, नेक्स्ट। अगर मेरे कॉपीराइट को किसी ने इन्फ्रिंज किया, किसी ने वॉयलेट किया, अगर मेरे राइट्स को किसी ने वॉयलेट किया, तो मैं उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता हूँ और मैं उससे कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता हूँ फॉर द लॉसेस दैट आई हैव इनकर्ड ड्यू टू द इन्फ्रिंजमेंट
और ड्यू टू द वॉयलेशन बींग मेड बाय सच पर्सन। आओ, द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कंप्यूटर इंडस्ट्री स्पेशल फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ऊपर भी क्या मिलेगा बच्चों? कॉपीराइट। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर इस पे तो पेटेंट भी मिल सकता है, इन्वेंशन है, पेटेंट नहीं मिलता है बेटा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ऊपर भी कॉपीराइट मिलता है, लिटरेरी वर्क है, लिटरेरी वर्क है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वॉज इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ लिटरेरी वर्क थ्रू एन अमेंडमेंट ब्रॉट इन दिस एक्ट इन द ईयर 1944। द कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 1999 मेक्स इट फ्री फॉर द परचेजर ऑफ अ गैजेट इक्विपमेंट और कंप्यूटर टू सेल इट ऑनवर्ड्स इफ द आइटम बीइंग ट्रांजेक्टेड इज नॉट द मेन आइटम कवर्ड अंडर द कॉपीराइट एक्ट। दिस मीन्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच इज बिल्ट इन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गैजेट इक्विपमेंट कंप्यूटर कैन बी फ्रीली ट्रांजेक्टेड विदाउट द परमिशन ऑफ कॉपीराइट ओनर। दिस अमेंडमेंट इंश्योर फेयर डीलिंग ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग गेनिंग पॉपुलैरिटी विद द ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोला सर ने आपको कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिटरेरी वर्क के डेफिनेशन में रखा गया। एक सेकेंड रुको, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिटरेरी वर्क के डेफिनेशन में रखा गया, के डेफिनेशन में रखा गया। लेकिन लेकिन देखो क्या लिखा है, द कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 1999 मेक्स इट फ्री फॉर द परचेजर ऑफ अ गैजेट इक्विपमेंट कंप्यूटर टू सेल इट ऑनवर्ड्स इफ द आइटम बीइंग ट्रांजेक्टेड इज नॉट द मेन आइटम कवर्ड अंडर द कॉपीराइट एक्ट। दिस मीन्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच इज बिल्ट इन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गैजेट इक्विपमेंट और कंप्यूटर कैन बी फ्रीली ट्रांजेक्टेड विदाउट द परमिशन ऑफ कॉपीराइट ओनर। देखो यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब है मेन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब है मेन सॉफ्टवेयर या ओनली सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर किसी सॉफ्टवेयर को दिया जा रहा है, किसी सॉफ्टवेयर को इंक्लूड किया जा रहा है इन एनी डिवाइस, किसी सॉफ्टवेयर को इंक्लूड किया जा रहा है इन एनी डिवाइस विच इज बिंग ट्रांसफर्ड बाय वन पर्सन टू दी अनदर पर्सन, तो वो सिचुएशन में इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस एक्ट। फॉर एग्जाम्पल समझना, फॉर एग्जाम्पल समझना, देखना तुम सोच के देखो कि ये अपने क्लास में छोटा सा प्यारा सा बालक जिसका नाम था लोकेश, लोकेश मोबाइल फोन पे क्लास अटेंड कर करके परेशान परेशान एंड परेशान हो चुका है। तो लोकेश ने अपने पप्पा से जिद कर लिया कि पप्पा जब तक मेरे पास लैपटॉप नहीं होगा तब तक मैं कोई भी क्लासेस नहीं करूँगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच पप्पा को एग्री करना पड़ा और पप्पा ने लोकेश को एक एचपी का लैपटॉप दिलाने का भरोसा दिलाया, ठीक है। तो बोला कि ठीक है डोंट वरी, गिव मी 3 to 5 days एंड मैं तुम्हें एक एचपी का लैपटॉप परचेज करके दूंगा। अब तुम समझो ये एचपी का लैपटॉप परचेज करने गया और ये बच्चा ना 50,000 रुपये का लैपटॉप खरीद के लाया। मालूम है तुमको 50,000 रुपये इसने खर्च करवा दिए पापा से एचपी का लैपटॉप खरीदने के लिए। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, लैपटॉप में क्या क्या चीजें आती है? ये जो 50,000 रुपये दिए किस किस चीजों के लिए दिए? यहाँ पे लोकेश ने ये 50,000 रुपये किन किन चीजों के लिए दिया है? बोलो बोलो बोलो। सर हमें नहीं पता कि क्या होता है लैपटॉप में, मुझे बताओ 50,000 रुपये किन किन चीजों के लिए दिया लैपटॉप में? लोकेश ही बताएगा क्योंकि लोकेश ने ये लैपटॉप खरीदा है। बोलो लोकेश बोलो। लैपटॉप के लिए? अरे पगले, सिर्फ लैपटॉप में क्या क्या चीजें हैं वो सब भी तो इंक्लूड होंगी ना ये 50,000 में। सर लोकेश ने ना लैपटॉप का बैग आया है साथ में उसके लिए दिए। अच्छा सर लोकेश ने ना, अरे क्या हो गया? देखो पेन चलना ही बंद हो गया। चल गया फिर से। सर लोकेश ने ना लैपटॉप के बॉडी के लिए पे किया है पैसा,
अच्छा सर, स्क्रीन का प्राइस भी इंक्लूडेड है उसमें। अच्छा सर, अबे सर, सॉफ्टवेयर का कॉस्ट भी इंक्लूडेड है सर, रैम का पैसा भी इंक्लूडेड है सर, उसके अंदर ना एक ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, उसका पैसा भी इंक्लूडेड है। तो देखो ना, यहाँ पे प्रोग्रामिंग का पैसा भी इंक्लूडेड है। तो ओरिजिनल बायर ने इस लैपटॉप के प्रोग्राम को यूज करने के लिए ही हैज ऑलरेडी पेड सर्टेन अमाउंट, ही हैज ऑलरेडी पेड सर्टेन अमाउंट टू द ओनर। इसमें माइक्रो प्रोसेसिंग चिप्स है, उसका भी पैसा इंक्लूडेड है, माइक्रो प्रोसेसिंग चिप्स, उसका भी पैसा इंक्लूडेड है। अच्छा, अब तुम समझना, ये सारे चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं 50,000 में। तुमको मालूम ये सभी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं 50,000 में, ठीक है? अच्छा, तो ये 50,000 किसने पे किया था? लोकेश ने। राइट किसको मिलना चाहिए? लोकेश को। लोकेश ने 4 दिन उस लैपटॉप से पढ़ाई की और फिर लोकेश ने डिसाइड किया कि यार अपन तो फोन पे ही ठीक थे, लैपटॉप तो क्या अभी बिस्तर पे लेके बैठ भी नहीं सकते, रजाई के अंदर ठीक से एडजस्ट भी नहीं होता है लैपटॉप, तो उसके लिए तो हमें बिस्तर से उतरना पड़ेगा। तो लोकेश ने बोला कि चाहे पढ़ाई छूट जाए, चाहे अटेम्प्ट लग जाए, लेकिन बिस्तर नहीं छूटना चाहिए सर्दी में। तो लोकेश तो फिर से मोबाइल पे शिफ्ट हो गया। जब मोबाइल पे शिफ्ट हो गया तो लोकेश को ये लैपटॉप बेचना पड़ा। तो लैपटॉप जब बेचना पड़ा तो उसने लैपटॉप वत्सल को बेचा। मुझे एक बात बताओ, कॉपीराइट ओनर ने पैसा किससे चार्ज किया था? लोकेश से। लेकिन जब उसको फर्दर ट्रांसफर किया जा रहा है इन द फेवर ऑफ वत्सल, क्या वत्सल को अलग से पैसा देना पड़ेगा सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए? तो इसका जवाब है ना सर, इसका जवाब है ना सर। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? बस यही बोला था वहां पे। यही बोला था। अच्छा, अब आप लोग ये पैराग्राफ पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक बार ये पैराग्राफ रीड करिए, रीड करके बताइए कि सर अच्छा लगा पढ़ के, अब आगे चलो। एक बार तुम लोग मुझे अप्रूवल दो कि सर पढ़ के समझ में आ गया, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आस्पेक्ट। डू इट नाउ, डू इट। यस डन। ओके, आई होप ये सभी चीजें क्लियर हैं। ओनर्स ऑफ कॉपीराइट इन म्यूजिकल साउंड रिकॉर्डिंग, ओनर किसको माना जा सकता है? उसके लिरिसिस्ट को, कंपोजर को, सिंगर को, म्यूजिशियन को, एंड द पर्सन और कंपनी हु हैज़ प्रोड्यूस्ड सच साउंड रिकॉर्डिंग शैल बी कंसिडर्ड एज द ओनर। इन द वर्क ऑफ एनी जर्नलिस्ट, एनी अदर पर्सन ड्यूरिंग देर एम्प्लॉयमेंट और इन द एबसेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, द एम्प्लॉयर शैल बी कंसिडर्ड एज द ओनर। इन वर्क प्रोड्यूस्ड फॉर वैल्यूबल कंसिडरेशन एट द इंस्टांस ऑफ अनदर पर्सन, नॉर्मली नॉर्मली यहाँ पे बोला
जिस भी पर्सन ने वो लिटरेरी वर्क को, लिटरेरी वर्क को प्रोड्यूस किया, ठीक है, दैट पर्सन कैन बी कंसिडर्ड एज द ओनर, एंड ओनली द ओनर विल हैव द राइट टू गेट द प्रोटेक्शन. ओनली द ओनर विल हैव द राइट टू गेट द प्रोटेक्शन अवेलेबल अंडर दिस, टू गेट द प्रोटेक्शन अवेलेबल अंडर दिस एक्ट. ठीक है, असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट. देखो असाइनमेंट का क्या मतलब होता है, देखो असाइनमेंट का क्या मतलब होता है समझना. असाइनमेंट्स का मतलब होता है जो ओनर है, ओनर अपने राइट्स ट्रांसफर कर देगा इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन. ठीक है, असाइनमेंट का क्या मतलब है कि ओनर अपने राइट्स को ट्रांसफर कर देगा इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, और जो राइट्स उसने असाइन किया इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, जो राइट्स उसने असाइन किया इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन, वो राइट्स वो खुद से यूज नहीं कर पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने पढ़ा था दैट अ कॉपीराइट ओनर शैल हैव दी फॉलोइंग राइट्स अवेलेबल, अ कॉपीराइट ओनर शैल हैव दी फॉलोइंग राइट्स अवेलेबल विद हिम. और उन फॉलोइंग राइट्स में सबसे पहले क्या था, उन फॉलोइंग राइट्स में सबसे पहले था राइट टू कॉपी, सेल, डिस्पोज, देन ट्रांसलेट, राइट टू कॉपी, सेल, डिस्पोज एंड ट्रांसलेशन. मान लो कि ये पर्सन ने एक बुक लिखा, और ये बुक जो है वाइडली अक्लेम्ड बुक है, पूरे इंडिया में ये बुक बिक रही है ना. तो ये बुक किसको बेचना है, ये बुक कहाँ बेचना है, ये बुक कितने पैसों में बेचना है, वो डिसाइड करने का पावर ओनर ऑफ द कॉपीराइट के पास है, वो डिसाइड करने का पावर ओनर ऑफ द कॉपीराइट के पास है. अब मान लो कि इसने अपॉइंट किया मिस्टर एक्स को टू पब्लिश एंड सेल दिस बुक इन द एरिया ऑफ राजस्थान, तो इट मीन्स दैट दिस कॉपीराइट ओनर विल नॉट बी सेलिंग द बुक्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. बोला टू द एक्सटेंट ऑफ द राइट्स डाइल्यूटेड, टू द एक्सटेंट ऑफ द राइट्स डाइल्यूटेड बाय द कॉपीराइट ओनर, या दोज राइट्स विच आर डाइल्यूटेड बाय द कॉपीराइट ओनर कैन नॉट बी एक्सरसाइज बाय हिम. जो राइट्स असाइन कर दिए कॉपीराइट ने, वो राइट्स कॉपीराइट ओनर अब खुद से एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, वो राइट्स अब कॉपीराइट ओनर खुद से एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा. इज इट क्लियर? इसी को अपन बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट. मान लो पहले इसके पास राइट था टू सेल दी बुक्स टू ऑल दी पार्ट्स ऑफ इंडिया, लेकिन इसने राजस्थान में बुक सेल करने का राइट ट्रांसफर कर दिया इन फेवर ऑफ दिस पर्सन मिस्टर एक्स. तो अब वो राजस्थान में बुक को सेल नहीं कर पाएगा, अब वो राजस्थान में बुक को सेल नहीं कर पाएगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये पैराग्राफ एक बार रीड करोगे, एन
एन असाइनमेंट में भी डिफाइंड एज द राइट एज द ट्रांसफर ऑफ अ पर्टिकुलर राइट्स लिविंग नथिंग विद द असाइनर. जो राइट असाइनर ने दे दिए वो राइट असाइनर अब एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा. बाय वर्च्यू ऑफ अर्निंग अ पर्टिकुलर राइट एंड गिविंग ऑन द असाइनी द होल ऑफ द लीगल इंटरेस्ट इन द राइट्स इशूड. द एसेंशियल पॉइंट्स कनेक्टेड विद द असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट आर एज फॉलोज. मेयर ट्रांसफर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट डज नॉट लीड टू द ट्रांसफर ऑफ कॉपीराइट. अगर मैंने स्क्रिप्ट की कॉपी किसी को दे दी, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने अपने राइट्स वो पर्सन को ट्रांसफर कर दिए. अ पर्सन कैन अक्वायर अ राइट टू रिप्रोड्यूस अ वर्क दैट इज कॉपीराइट बाय असाइनमेंट ऑफ इट टू हिमसेल्फ. एक पर्सन किसी भी लिटरेरी वर्क को रिप्रोड्यूस करने का राइट अक्वायर कर सकता है अगर उस पर्सन के फेवर में कॉपीराइट ओनर ने असाइनमेंट ऑफ राइट किया हो. अगर उस पर्सन के फेवर में कॉपीराइट ओनर ने असाइनमेंट ऑफ राइट्स किया हो. ठीक है. नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑफ राइट कैन बी डन इन एग्जिस्टिंग एज वेल एज फॉर फ्यूचर वर्क. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मान लो कि मैं बहुत फेमस ऑथर हूँ, मैं बहुत फेमस ऑथर हूँ और मेरी बुक जैसे ही अनाउंस होती है ना, मतलब मैं लिखना स्टार्ट भी नहीं करता, सिर्फ अनाउंसमेंट करता हूँ दैट आई एम गोइंग टू राइट अ बुक, वैसे ही लोगों में गजब का क्रेज आ जाता है. मेरी बुक्स बहुत पॉपुलर है अमंग्स द जनरल पब्लिक, अमंग्स द डिफरेंट पर्सन और डिफरेंट पीपल. तो मैंने अनाउंस किया कि दैट आई एम गोइंग टू राइट डाउन अ बुक, आई एम गोइंग टू राइट डाउन अ बुक ऑन द इंडियन विलेज सिस्टम. ये सुनते ही इंडिया के जितने भी बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया एंड दे हैव ऑफर्ड मी अ वेरी हैंडसम अमाउंट. तुम समझो, उन्होंने बोला कि सर भले आप ये बुक लिखो लेकिन इस बुक को पब्लिश करने का राइट तो आपको हमें ही देना पड़ेगा, ये बुक को पब्लिश करने का राइट तो आपको हमें ही देना पड़ेगा. तो उस सिचुएशन में मैं असाइनमेंट ऐसे राइट्स का कर रहा हूँ, ऐसे राइट्स का असाइनमेंट कर रहा हूँ जो अभी एग्जिस्टेंस में भी नहीं है, जो अभी एग्जिस्टेंस में भी नहीं है एंड दैट विल कम इन एग्जिस्टेंस इन द फ्यूचर एंड दैट विल कम इन एग्जिस्टेंस इन द फ्यूचर. तो असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट कैन बी डन इन एग्जिस्टिंग एज वेल एज इन द फ्यूचर वर्क. नेक्स्ट, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट ऑफ एनी फ्यूचर वर्क, असाइनमेंट इफेक्ट में कब आएगा? ओनली वर्क ओनली व्हेन द वर्क्स कम इनटू एग्जिस्टेंस. अगर असाइनमेंट फ्यूचर वर्क से रिलेटेड है तो वो असाइनमेंट इफेक्ट में तभी आएगा जब वो वर्क विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट आपको बोला असाइनी ऑल्सो इंक्लूड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द असाइनी. मतलब मान लो कि मैंने राइट्स असाइन किए इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, मैंने राइट्स असाइन किया इन फेवर ऑफ मिस्टर एक्स, कल को अगर मिस्टर एक्स नहीं रहे द सेम राइट्स विल बी कैरीड ऑन, द सेम राइट्स विल बी कैरीड ऑन इवन बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच पर्सन. आई होप ये क्लियर है सबको, आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. बोलो, इज इट क्लियर टू एवरी वन? सबको धड़ाधड़. ओके ओके नेक्स्ट, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द असाइनमेंट. एन असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट शुड बी इन राइटिंग एंड इट शुड बी साइन बाय द ओनर ऑफ कॉपीराइट. मेयर एक्सेप्टेंस ऑफ रेम्यूनरेशन और डिलीवरी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट डज नॉट कंस्टिट्यूट एन असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट. ये तो मैंने बता ही दिया तुमको. अगर किसको अगर मैन्यूस्क्रिप्ट किसी को स्क्रिप्ट का कॉपी अगर तुमने दे दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने वो पर्सन के फेवर में राइट्स असाइन कर दिए. द असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई क्या वर्क तुमने असाइन किया है, सामने वाले को क्या राइट्स है, कितने टाइम के लिए असाइन किया है और इन वॉट एरिया यू हैव अप टू वॉट टेरिटोरियल एक्सटेंट यू हैव असाइंड योर राइट्स. लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये स्पेसिफाई नहीं किया है तो, अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है तो मान लिया जाएगा दैट
इट हैज़ बीन असाइंड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, एंड अगर टेरिटोरियल एक्सटेंट असाइन नहीं किया है तो ऐसा मान लिया जाएगा दैट इट हैज़ बीन असाइंड फॉर द टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया, इट हैज़ बीन असाइंड फॉर द टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, ये बता दिया मैंने। अब अगर असाइनी अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं करता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, देन इन सच केसेस असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट, देन इन सच केसेस असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट शेल गेट लैप्स्ड, ठीक है। अगर असाइनी अपने राइट्स को यूज़ नहीं करता है, इम्प्लीमेंट नहीं करता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो जो राइट्स असाइन किए गए थे असाइनी को, इट विल गेट लैप्स्ड, इट विल गेट लैप्स्ड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।